नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. पालिका निवडणूक वचननाम्यानुसार शिवसेनेचा 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा ठराव मंजूर. अंतिम मंजुरी मात्र आयुक्त आणि नगरविकास खात्याकडे. रामनाथ कोविंद यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीने कोळी बांधवात चैतन्याचं वातावरण. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश दादा पाटील यांनी प्रत्यक्षात भेटून कोविंद यांना दिल्या शुभेच्छा. अखेर तीव्र विरोधानंतरही महापालिकेने वाढवले राणीबागेचे प्रवेश शुल्क. पर्यटकांच्या खिशाला पडणार अतिरिक्त आर्थिक भार. कुटुंब नियोजन खाते माझ्याकडे द्या, मी देशाच्या सर्व समस्या दूर करेन. सामाजिक कार्यकर्ते नरेश कोटला यांचे सरकारला आवाहन. देशाच्या विकासासाठी राष्ट्रीय विकास आराखडाही केला सादर. आणि राज्यातील जनतेला विकासाचा नवा पर्याय उपलब्ध. सर्वांगीण विकासासाठी भारत पीपल्स सेनेची स्थापना. देशाचं कुटुंब नियोजनाचं खातं माझ्या हातात द्या, मी देशाच्या सर्व समस्या दूर करेन. असं खुलं आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते नरेश टोटला यांनी केंद्र सरकारला केले. त्यांनी आखलेल्या राष्ट्रीय विकास धोरणामध्ये अशा काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळे 100% विकास होईल आणि देशातील गरिबी हद्दपार होईल. पाहूयात नरेश टोटला यांचं हे राष्ट्रीय विकास धोरण. कोणत्याही देशाचा विकास हा त्या देशाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असतो आणि भारतातील अमर्याद वाढलेली लोकसंख्या हीच गरिबीचं मुख्य कारण असल्याचा दावा मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते नरेश टोटला यांनी केला आहे. हा दावा करत असतानाच देशाचं कुटुंब नियोजनाचं खातं माझ्या हातात द्या, मी देशातील सर्व समस्या दूर करेन, असे आवाहनही त्यांनी केंद्र सरकारला केलं आहे. टोटला यांनी आयुष्यभर सामाजिक बांधिलकी जपत देशाच्या विकासासाठी प्रयत्न केलेत, त्यामुळे त्यांनी देशाच्या विकासाकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 25,000 रुपयांचे 5 धनादेश अशी एकूण 1,25,000 रुपयांची रक्कम दिली. या पैशाचा वापर देशाच्या विकासासाठी केला जावा अशी त्यांची इच्छा आहे. की आप मुझे फॅमिली प्लॅनिंग का काम दे दो और पूरा का पूरा देश का कर्जा दे दो. मैं आपको 25,000 करोड़ के मैंने 5 चेक दिए. मेरा चेक रिटर्न नहीं होगा. मैं 25,000 करोड़ का चेक जो दिया उसके साथ मेरा पासपोर्ट भी आपके पास जमा करूंगा. पहला चेक पास होने के बाद मैं मेरा पासपोर्ट ले लेगा और अगर मेरा चेक रिटर्न हुआ तो आई एम रेडी टू फेस कंसिक्वेंस. लेकिन मेरी शर्त एक ही होगी, इट मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एज पर माई प्लानिंग. ये चेक पास होने के 2 तरीके. एक तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास सिर्फ 2% लोग टैक्स भरते हैं. 2% भी नहीं, लेस देन 2% लोग टैक्स भरते हैं. और फैमिली प्लानिंग के साथ साथ में टैक्स का भी इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मोर देन 40-50% लोग टैक्स के दायरे में आना चाहिए. वो दोनों चीज़ फैमिली प्लानिंग और टैक्स का जो दायरा है वो दोनों बढ़ाने का मैं आप लोगों को एक गारंटी दे सकता हूँ कि ये मेरा दावा मैं उसमें पूरा कर सकता हूँ. कुटुंब नियोजनाच्या माध्यमातून टोटला यांनी सामाजिक बदलांसाठी सांकल्पनिक आराखडा तयार केला आहे. नीती आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी गरिबी निवारण आणि लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या समस्यांवर मात करण्याकरिता राष्ट्रीय विकास आराखडा देखील तयार केला आहे. टोटला यांनी 10 मुद्द्यांचा एक वित्तीय उपक्रम आराखडा देखील तयार केला आहे. या सर्व योजना देशाच्या करव्यवस्थेवर आधारित असून आपल्या योजनेनुसार सरकारने कुटुंब नियोजन खाते माझ्या हातात दिले तर मी देशातील सर्व समस्या नक्कीच दूर करेन, असा विश्वास त्यांना आहे. ठीक आहे की अगर आपके पास 2 बच्चे है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा या लड़का हो या लड़की हो, आपके पास 2 बच्चे है तो आपको यू हैव टू कंट्रोल इट स्ट्रिक्टली. आप ठीक है, आप कोई भी जात को अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर आना चाहिए कि ये आपने कंट्रोल किया, मुझे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिले कि नहीं. अगर ये बढ़ रहा है, मैं तो गवर्नमेंट को 2 चीज़ बोला, ये मुसीबत मेरे गले डाल दो और आपको मैं इतना पैसा देता हूँ, ये पूरा का पूरा टैक्स भी दे दूँगा. लेकिन कंडीशन मेरी एक ही है कि इट मस्ट बी टोटली एज पर माई प्लानिंग. और मेरा प्लानिंग एक ही है, अगर आपके पास 2 बच्चे है तो आपको 3रा बच्चा जैसे चाइना ने 1 man 1 child किया, मैं तो दोनों बात बोला है, गवर्नमेंट को दिया. आप कर्जा भी दे दो और साथ में ये आबादी भी दे दो तो मैं करेगा. खाली आबादी दे दो हमको और साथ में उसके लिए 2 मुद्दा सुलटाने के लिए मुझे थोड़ी अथॉरिटी दो तो मैं आगे बढ़ेगा. अगर मुझे अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो फिर आज जैसे आपने पूछा कि मैं क्या करूँगा, तो मैं एक किसी को पर्सनल आया कहीं को तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा.
आप जैसे आपको ही कहेंगे तो आप पर्सनल ले लेंगे, मैं आप कौन होते भी बोलने वाला, मैं पर्सनली किसी की, इसीलिए मैंने कहा मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के ऊपर कोई भी प्रकार का कमेंट नहीं करूँगा। अभी तक आप एक बात बताइए, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक हर कोई प्रधानमंत्री है, एक भी नेता बता दो जितने इसके ऊपर मतलब सीरियसली कोशिश की है, आप खुद बता दीजिए किसने शुरुआत की है। 25% 30% भी शुरुआत हुआ, 50% भी शुरुआत हुआ, दैट मीन्स आप मुझे 100% कम्प्लीमेंट ना दें, 1% भी देंगे कि भी एटलीस्ट वी हैड मेड द बिगनिंग, उतना तो कम्प्लीमेंट लेने का मैं हकदार बन सकता हूँ कि मैंने कहीं से तो शुरुआत की है। नरेश टोटला यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समाजसेवेसाठी व्यतीत केलंय आणि राष्ट्रीय विकास आराखड्याच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाचा नवा संकल्पही त्यांनी आखलाय। याकरता त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी देखील पत्रव्यवहार केलाय, त्यामुळे आपल्या या संकल्पनेला देशवासीय नक्कीच साथ देतील असा विश्वासही त्यांना आहे। सबको मैंने फेक्स भेजा है, पवार साहब को भेजा है, ठाकरे साहब को भेजा है, राज ठाकरे साहब को भेजा है, मैं उनको एक ही बात बोला कि अमाउंट मोबिलाइज करने का अगर मैं दूँ तो आप लोग ये हो जाएगा कि मैंने मेरा पूरा गेम प्लान आपको बता दिया और उसके बाद मुझे तो आप बाजू में निकाल दिया, आप ये अमाउंट मोबिलाइज करेंगे जो मेन मुद्दा आबादी का वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। और मैंने यहाँ तक कहा कि आज आप मुर्गी को कुछ भी लेंगे कि सोने का अंडा कैसे देंगे तो क्या आप लोग निकाल पाएंगे, आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो अगर मैं मुसीबत भी ले रहा हूँ तो मुझे सुविधा भी मिलनी चाहिए, सुविधा का मतलब ये हो गया मुझे पैसा नहीं चाहिए, कम से कम एक अथॉरिटी मिलनी चाहिए विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर कि भी है हम आपको गले में मुसीबत डाल देंगे, हमने कोशिश नहीं की, आप शुरुआत तो कर लो। कैमरामैन विजय सर, सोनाली पाटिल, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।